हम लोग देखेंगे डीएनएस के बारे में, मोस्ट में देखेंगे डीएनएस। डीएनएस का मतलब होता है ट्रांसमिटेड नेजल सेप्टम, मतलब जो सेप्टम है हमारे नेजल कैविटी के सेंटर पे लगा है, उसका अपना एक जो कहता है सेंटर से हटना, ये डेविएशन कहलाता है। नेजल सेप्टम लाई बिटवीन द राइट एंड लेफ्ट नेजल कैविटी, इट शुड बी एग्जैक्टली लाई इन द सेंटर, और इसको एकदम अपने सेंटर पर रहना चाहिए ये सेंटर। और नेजल सेप्टम जो है वो राइट एंड लेफ्ट नेजल कैविटी को डिवाइड करता है। यहां पर डीएनएस में देख रहे हैं कि जो सेप्टम है अपना जो सेंटर में होना चाहिए वो सेंटर से अलग हट चुका है, या तो राइट साइड हो जाए, डेविएशन राइट साइड का हो या लेफ्ट साइड का हो, दोनों में से किसी तरफ हो सकता है डेविएशन। और ये सेप्टम कहता है कि सेप्टम जो होता है स्किन से कवर्ड होता है, ये सेंटर में है जो एक वॉल है दोनों राइट एंड नेजल, राइट एंड लेफ्ट नेजल कैविटी के बीच में। लोग कह सकते हैं कि सेप्टम इज अ वॉल बिटवीन द राइट एंड लेफ्ट नेजल कैविटी एंड कवर्ड बाय द स्किन एंड हैज ए रिच ब्लड सप्लाई, और इसमें जो स्किन है इसमें बहुत ही ज्यादा ब्लड सप्लाई होता है। सेप्टम इज ए बेंडेबल, हम लोग देखते हैं कि इसको ये हम लोग इधर उधर घुमा के देख सकते हैं कि ये बेंडेबल है, इसलिए कि ये कार्टिलेज का बना होता है। तो डेविएशन यहां पर वजह डेविएशन का क्या है ये देखेंगे कि डेविएशन ये बेंडेबल है तो किसी कारण से बेंड कर सकता है, कौन कौन से कारण है जिसकी वजह से बेंड कर सकता है। और ये जब सेंटर में होता है तभी हम लोग इक्वली नेजल कैविटी इक्वली डिवाइडेड, हम लोगों का राइट एंड लेफ्ट नेजल कैविटी जो बराबर दिखता है वो एक्चुअली सेप्टम को सेंटर में होने की वजह से ही ऐसा दिखता है। अगर किसी कारणवश सेप्टम का डेविएशन हो जाए तो ये थोड़ा सा अल्टर्ड लगता है दिखने में। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि अभी देखेंगे किस कारण से डेविएशन होता है। डेविएशन का एक तो कहता है कि बाय बर्थ जो डेवलपमेंटल प्रॉब्लम है इसके वजह से हो सकता है कि डेवलप में ही कहीं कोई प्रॉब्लम हुआ है जिसके वजह से सेप्टम डेविएटेड है। सेकेंड थिंग है कि कोई इंजुरी की वजह से, ट्रॉमेटिक इंजुरी की वजह से, बॉक्सिंग की वजह से भी हो सकता है, कोई एक्सीडेंटल आरटीए रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट की वजह से हो सकता है, कभी कोई कहीं फॉल कर जाने की वजह से नेजल इंजुरी हो सकता है, उसकी वजह से फ्रैक्चर हो सकता है। तो ट्रॉमा का कारण बहुत है, लॉट ऑफ कॉज ऑफ ट्रॉमा, कि किस वजह से, गिरने से हुआ, मार खाने की वजह से हुआ है या एक्सीडेंटल वजह से हुआ है, ये सारी बात है। लेकिन अल्टीमेटली यहां देखा जा रहा है कि सेप्टम का इंजुरी हुआ जिसके वजह से वो फ्रैक्चर हो गया, और फ्रैक्चर होने की वजह से वो उसका सेफ जो है वो अल्टर्ड हो गया। जो पहला हुआ डेवलपमेंटल, दूसरा हुआ ट्रॉमेटिक, और तीसरा कहता है कि फैमिलियर जेनेटिक है, जो पूरे फैमिली में ही इस तरह का चीज दिख रहा है, मतलब कि इसके फैमिली दर पीढ़ी इसमें आ रहा है। तो ये सब कारण है डेविएशन का। डेविएशन से प्रॉब्लम क्या है, यहां पर हम लोग बात करते हैं कि डेविएशन
से क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है। तो सबसे पहला देखते हैं कि डेविएशन जब भी होता है तो एक साइड का वन साइड ऑफ द नेजल कैविटी इज वाइड एंड अदर साइड इज नैरो। एक साइड का नेजल कैविटी वाइड हो जाएगा और दूसरे साइड का नेजल कैविटी नैरो हो जाएगा। अल्टर द फ्लो ऑफ एयर, जिसके वजह से एयर फ्लो का अल्टरेशन होगा। दूसरा कहता है कि इसमें प्रॉब्लम जो है कि ब्लॉकेज ऑफ द साइनस हो सकता है। ऊपर तो एक पिक्चर के जरिए हमने दिखाया है कि नॉर्मल में दिख रहा होगा कि जो नॉर्मल है इसके अंदर देख रहे हैं कि सेप्टम राइट एंड लेफ्ट नेजल कैविटी के एकदम सेंटर में है, जिससे दोनों नेजल कैविटी जो है इक्वली डिवाइड है और एयर फ्लो में कहीं कोई प्रॉब्लम्स नहीं आ रहा। हम लोग को पहले से पता है कि नेजल कैविटी के थ्रू ही साइनस का ओपनिंग है। यहाँ पर मैक्सिलरी साइनस है। जब भी ये कहता है कि डेविएशन होता है तो कहता है कि ब्लॉकेज ऑफ साइनस की पॉसिबिलिटी है। ब्लॉकेज ऑफ साइनस अगर राइट साइड डेविएशन है तो राइट साइड साइनस मैक्सिलरी साइनस को ब्लॉक कर सकता है। देख रहे हैं जो सी सेपेट है तो सी सेपेट राइट साइड या लेफ्ट साइड का कहीं भी बन रहा हो तो ये कहता है कि उसी साइड के मैक्सिलरी एरिया को ब्लॉक करेगा। तो मैक्सिलरी एरिया को ब्लॉक करने से क्या होता है कि साइनस में इंफेक्शन हो रहा है तो साइनोसाइटिस डेवलप करेगा। दूसरा है कहता है कि एस सेपेट जो डिसलोकेशन है ये राइट एंड लेफ्ट मैक्सिलरी साइनस को ब्लॉक करेगा। तो बायलैटरल साइनस जो है मैक्सिलरी साइनस है उसमें इंफेक्शन होगा, साइनोसाइटिस होगा। और नेक्स्ट देख रहे हैं एक स्पर बना हुआ है कि एक नुकीला जैसा एरिया है तो वो अल्टर्ड ये ब्लॉकेज कम करता है लेकिन अल्टरेशन करता है एयर फ्लो का। तो यहां पर प्रॉब्लम हो रहा है कि एयर फ्लो में दिक्कत हो रहा है, दूसरा प्रॉब्लम हो रहा है कि साइनस को ब्लॉक कर रहा है जिसके वजह से साइनोसाइटिस डेवलप कर रहा है, साइनोसाइटिस की वजह से हेडेक होने लगेगा, फीवर भी हो सकता है। उसके बाद कहता है कि ड्रिपिंग जो होता है नेजल इंफेक्शन की वजह से पोस्ट नेजल ड्रिप, इसलिए कि साइनस ब्लॉक कर रहा है तो आगे का हिस्सा, तो जिसकी वजह से पोस्ट नेजल ड्रिप भी हो सकता है। साउंड जो है वो ब्रीदी साउंड्स, सांस लेने में दिक्कत और ब्रीदी साउंड ज्यादा सांस आवाज जो है वो आ रहा है। तो ये बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं इसके वजह से। दूसरा कहता है कि ड्राइनेस ऑफ द नेजल कैविटी, और ड्राइनेस ऑफ नेजल कैविटी की वजह से क्या होगा कि क्रैकेड ऑफ द नेजल सेप्टम स्किन या नेजल स्किन जब ड्राई हो जाएगा तो क्रैक कर जाएगा। तो कहता है कि फ्रीक्वेंटली नेजल ब्लीड, डीएनएस की वजह से नेजल ब्लीडिंग का भी चांसेस ज्यादा होता है। तो हम लोग नेजल ब्लीडिंग का एक कारण हम लोग डीएनएस भी कर सकते हैं कि डीएनएस की वजह से नेजल, अगर किसी को नेजल ब्लीडिंग है तो उसका कारण हो सकता है। लगभग कहा जाता है कि 80% लोगों में 20% लोगों का ही जो सेप्टम है सेंटर में है, और 80% लोगों में ये जो सेप्टम है थोड़ा सा डेविएटेड होता है, माइनर। लेकिन कहता है कि क्या सभी लोगों को प्रॉब्लम होता है? नहीं, प्रॉब्लम हर लोगों का नहीं होता है, बहुत ही माइनर होता है जिसके वजह से कोई पता भी नहीं चलता लोगों को कि क्या डेविएशन है या फिर हमको कोई प्रॉब्लम हो रहा है, नॉर्मल लाइफ होता है। लेकिन जब डेविएशन ज्यादा होता है तभी ये सारे प्रॉब्लम्स आते हैं, जो हमने देखा है कि इंटीरियर डेविएशंस हैं, डायरेक्ट तिरछा ही होते चला आया है, और दूसरा जो सी सेपेड है वो ब्लॉकेज कर रहा है। तो ज्यादा हमने कहा कि जब भी डेविएशन होता है तो यहाँ दिख रहा होगा कि वन साइड ऑफ द नेजल कैविटी इज वाइड एंड अदर साइड इज नैरो।
नेचुरल है सांस लेने में दिक्कत होने लगेगा। तो ये सब चीज जो है हम लोग डेविएशन के साथ ये सारा प्रॉब्लम्स आता है। दूसरी बात यहां पर हम लोग देखते हैं कि डेविएशन 80% जो लोगों में हो रहा है उन लोगों में बहुत कम प्रॉब्लम और कभी कुछ नॉर्मल होता है, कभी प्रॉब्लम बुझाता ही नहीं है। लेकिन जब कभी किसी कारणवश किसी नेजल प्रॉब्लम से जाते हैं और एक्सरे करवाते हैं तो होता है कि नेजल सेप्टम जो है डेविएशन है। और इन लोगों जो ऑलरेडी नेजल सेप्टम डेविएशन है, जो डेविएटेड नेजल सेप्टम जो है, इसमें जो देख रहे हैं कि प्रॉब्लम है, इसमें ये लोग इसी वजह से प्रॉब्लम लेकर आते हैं कि डेविएशन है। हमेशा जो हमने कहा, जो प्रॉब्लम अभी हमने बताया कि नेजल ब्लीडिंग का प्रॉब्लम है तो हो सकता है कि डेविएशन की वजह से हो रहा हो। दूसरा हमने कहा कि ड्राइनेस, जो ब्रीदिंग साउंड्स है। नेक्स्ट हमने कहा कि साइनोसाइटिस का पेनफुल ऑन द फेस, जो मैक्सिलरी साइनस का एरिया है वो कहता है कि जो फेस फेशियल पेन होता है तो हो सकता है उसकी वजह से नेजल कॉन्जेशन भी हो सकता है, इसलिए कि एक तरफ ब्लॉक कर रहा है तो नेजल कॉन्जेशन का भी हमेशा एक तरफ का नाक बंद जैसा लगेगा। तो ये सारा सिम्टम कहता है कि डीएनएस के साथ होता है। तो डीएनएस को पता कैसे किया जाए कि ये डीएनएस है और जो प्रॉब्लम बता रहा है उसके हिसाब से हम लोग क्या इन्वेस्टिगेशन करें जिससे पता चल जाए कि इसको क्या दिक्कत है। तो पहला तो इन्वेस्टिगेशन के पहले हम लोग ऑन एग्जामिनेशन करते हैं। ऑन एग्जामिनेशन के जरिए हम लोग लाइट सोर्स के जरिए देखना चाहते हैं उसके नेजल कैविटी के अंदर कि क्या प्रॉब्लम्स हैं। तो लाइट सोर्स से जब नेजल कैविटी को देखते हैं तो देख क्या दिखेगा, इसमें दिखेगा कि एक साइड का नेजल कैविटी पेटेंट है और दूसरे साइड के जो नेजल कैविटी है वो ऑब्स्ट्रक्टेड है। मतलब पूरा वाइड है, यहां से वहां तक दिख रहा है लेकिन दूसरे साइड में ऑब्स्ट्रक्शन है, दिख नहीं रहा है, इसलिए कि जो सेप्टम है वो डेविएट कर चुका है, ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है जिस तरफ डेविएशन है उस साइड के नेजल कैविटी को। तो पहला तो एग्जामिनेशन करता है कि लाइट सोर्स से कीजिए, लाइट सोर्स से देखिए, नेजल स्पेकुलम लगा करके देखिए कि नेजल पेटेंसी क्या है। और दूसरा कहता है कि इन्वेस्टिगेशन के जरिए पता करते हैं कि डीएनएस है तो किस तरह का डीएनएस है, इसके लिए हम लोग ओपीजी कराते हैं, सॉरी पीएनएस, पीएनएस कहते हैं पारानेजल साइनस का। पारानेजल साइनस का जब एक्सरे कराते हैं तो देखते हैं कि यहां पर जो सेप्टम है वो डेविएटेड है और ये भी पता चलता है कि डेविएशन किस तरह का है एक्सरे के जरिए। तब हम लोग बताते हैं कि ये जो कैटेगरी है, जो टाइप है, जो हमने ऊपर लिखा है कि इंटीरियर डिसलोकेशन है या सी सेपेट डिसलोकेशन है या फिर एस सेपेट है या स्पर है, किस तरह का डीएनएस है, तो हम लोग उसी के हिसाब से उसका करेक्शन करते हैं। यहां पर जब कंफर्म हो जाते हैं तो पहला तो कहता है कि दो तरह के ट्रीटमेंट करते हैं, पहला कंजर्वेटिव है, दूसरा है सर्जिकल। कंजर्वेटिव में कि जो नेजल ऑब्स्ट्रक्शन है उसको, जो वहां इन्फ्लेमेशन हुआ है, ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है उसको ठीक करते हैं। तो सबसे पहला हम लोग यहाँ पर ट्रीटमेंट का पहला है कि नेजल स्प्रे देते हैं जो स्टेरॉइड्स का है, जो कि म्यूकस मेम्ब्रेन के इन्फ्लेमेशन हुआ है जो इन्फेक्शन की वजह से वो थोड़ा कम हो जाए, जिसकी वजह से नेजल पेटेंसी हो और सांस लेने में दिक्कत ना हो। और दूसरा है एंटी हिस्टामिनिक ड्रग्स, जो एंटी हिस्टामिनिक, जिससे कि एलर्जी वगैरह बार बार इन लोगों में रनी नोज भी होता है इन्फेक्शन की वजह से या एलर्जी की वजह से भी हो सकता है, तो ऐसे लोगों में हम लोग एंटी एलर्जी भी प्रोवाइड करते हैं। और तीसरा कहता है स्टीम इनहेलेशन, स्टीम इनहेलेशन से जो साइनस में किसी तरह का जो ऑब्स्ट्रक्शन हुआ है, यहां तो देख रहे हैं
कि ऑब्स्ट्रक्शन का कारण है कि नेजल सेप्टम का डेविएशन से। तो जो इन्फेक्शन बना है, तो हम लोग जब इनहेलेशन स्ट्रीम इनहेलेशन लेते हैं तो टेम्पररी जो है वहां पर साइनस ओपनिंग खुलता है और उसके अंदर के जो भी है कंटेंट है, जो इन्फेक्टिव मटेरियल है, वो बाहर निकलता है। इसलिए यहाँ पर पहला तो नेजल स्प्रे स्टेरॉइड्स के देते हैं जो इन्फ्लेमेशन को कम करे, और इन्फ्लेमेशन कम होने के वजह से कहता है कि जो कंजेशन है वो कम हो जाएगा, कंजेस्टेड जो एरिया था वो कम होगा। और नेक्स्ट है कि जो स्टीम इनहेलेशन देते हैं तो जो भी उसके अंदर कंटेंट है वो क्या होता है, बाहर की ओर निकलता है। तीसरा जो हम लोग करते हैं वो है सर्जिकल करेक्शन। कभी भी जो डीएनएस हमने कहा कि 80% लोगों में है, तो हर लोगों में करेक्शन नहीं किया जाता है। जिन लोगों में लगता है कि बहुत ज्यादा मेजर और जिसके वजह से प्रॉब्लम हो रहा है, जिसमें हमने कहा कि नेजल ऑब्स्ट्रक्शन का प्रॉब्लम हो, फेशियल प्रेन का प्रॉब्लम हो, उसके साथ साथ साइनोसाइटिस हो, नेजल ब्लीडिंग हो रहा हो, तो ये सब अगर सिम्टम के साथ पेशेंट आ रहा है और हम लोग देख रहे हैं कि डीएनएस से डेविएटेड नेजल सेप्टम है, तब एडवाइस किया जाता है। और रिकरेंट बार बार हो रहा है ये प्रॉब्लम्स, ऐसा नहीं कि एक बार हुआ फिर नहीं हो रहा है, लेकिन जब तक ये समस्या रहेगा डीएनएस का, तब तक ये समस्या होता रहेगा और ये प्रॉब्लम करवाते, तो सर्जिकल करेक्शन है जिसको कहते हैं सेप्टोप्लास्टी, जिसमें कि करेक्शन ऑफ द सेप्टम, सेप्टम को करेक्ट किया जाता है। इसको सर्जिकल ऑपरेशन के जरिए सेप्टम को जो डेविएशन पार्ट है, डेविएटेड पार्ट है, उसको काट करके उसको सीधा किया जाता है, जिसके वजह से जो दोनों सा राइट एंड लेफ्ट नेजल कैविटी है वो पेटेंट हो जाए और ओपनिंग वाइड हो जाए। इधर देख रहे थे कि एक साइड का वाइड है, दूसरे साइड का नैरो है, लेकिन अभी यहां देख रहे हैं कि इक्वली डिवाइडेड हो जाए दोनों तरफ। तो दोनों तरफ जब इक्वल हो जाएगा तो एयर फ्लो है नॉर्मल हो जाएगा, और इस तरह के जो प्रॉब्लम्स हो रहे थे, जो ऑब्स्ट्रक्शन करवा रहा था, मैक्सिलरी साइनस का ऑब्स्ट्रक्शन है, वो सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो इन्फेक्शन नहीं होगा तो फेशियल पेन भी कम जाएगा और हेडेक भी नहीं होगा, नेजल ब्लीडिंग का प्रॉब्लम नहीं है। तो ये हम लोग कहते हैं कि सर्जिकल ऑपरेशन इज द बेस्ट फॉर द डीएनएस। इन्हीं को कोई प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हैं। बंद करो, इसको कैमरा बंद करो।